बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद मोहतरम नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के वीडियो में आज हम 65 नंबर का वजीफ़ा आपके सामने रखेंगे। अल्लाह का इसमें पाक है, या वाजिद हो या वाजिद हो या वाजिद, हर चीज़ को पा लेने वाले इसका मतलब बनता है। और इल्मुल अदाद में देखा जाए तो इसके 14 अदद बनते हैं और इसमें जलाली है। बहुत से आपके मसाइल का हल इसमें मौजूद है और 32 साल हमारा एक्सपीरियंस इसमें, बहुत सी चीज़ें लोगों के बहुत से मामलात बहुत सी कैफियत में देखा गया, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे और बेशुमार मसाइल का हल इसमें मौजूद है। लेकिन आपके सामने ख़ास किस्म के जो मामलात हैं उनको ज़ेर बहस लाएँगे, जो कि जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। ख़ास तौर पे जादू के लिए, जादू जैसा भी हो, चाहे वो किसी भी रंग में हो, जलाने का अमल हो, झुलाने का अमल हो, दबाने का अमल हो, तावीज़ गंडे हो, या जादू जिन्नात की कैफियत किसी जंतर मंतर के पढ़ने से आ गई हो, तो ऐसी सूरत में किसी भी मकसद का जादू जो किया गया हो उसके लिए नायाब नुस्खा है। ऐसी सूरत में 14,000 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और जब लुकमा खाते हैं उसके साथ भी या वाजिद हो या वाजिद हो या वाजिद हो, 5 दफ़ा पढ़ लें, इंशाल्लाह 5 लुकमों के साथ अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। 104 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे आपको। और ये अमल आप 41 दिन 40 डेज़ का कुल अमल है, इसमें शॉर्ट लेसन भी आपको बताएंगे और लॉन्ग लेसन भी आपको बताएंगे। हकदार को हक मिले, बाज़ुकात हक गसब हो जाता है, उसका कोई रास्ता नहीं निकलता। बड़ी बड़ी जगहों पे आप गए, बड़े बड़े मामलात चल रहे होते हैं लेकिन इसका कोई खातर खा हल नहीं निकलता। तो इस वजीफ़े की बदौलत जब आप ये अल्लाह का इसमें पाक पढ़ेंगे 2,210 मरतबा, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपका हक आपको मिलेगा। और इसी को 113 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत सा फ़ायदा इससे आपको हो जाएगा और आपके गुमान से ज़्यादा इससे फ़ायदे पहुँचेंगे। 5 रोटियां किसी गरीब को आप दे सकते हैं सदक़े के तौर पे, इंशाल्लाह बेहतरियां बेहतरियां होंगी। इसी तरह कल्बी रोशनी और बातनी सफाई का ज़बरदस्त अमल है। अगर आप कल्ब के अंदर चाहते हैं कि हमारा कल्ब रोशन हो जाए, हमारा बातन रोशन हो जाए, तो फिर इसी वजीफ़े को 14,000 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रूहानी नूर मिलेगा, रूहानी कैफियत मिलेगी। बातनी सफाई का अमल है, आपको प्योरीफाई आप हो जाएंगे अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए 500 ग्राम जलेबियाँ बच्चों को तकसीम कर दें सदक़े के तौर पर, और 140 मरतबा हर नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ायदे फ़ायदे आपको होंगे। हक सच की पहचान आपको मिलेगी, आप जिधर जाएंगे आपको अल्टीमेट रियलिटी के बारे में नॉलेज होगा कि हकीकत असलिया क्या है, अल्लाह की ज़ात कैसी है। इसके बारे में अगर आप इसको इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे तो 4,442 मरतबा आपको रूहानी मिराज हासिल होगा और बहुत ज़्यादा इससे ख्वाब के अंदर बहुत सी आपको मुलाकात होगी बुज़ुर्गों से, औलिया से। और इस तरीके से 104 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें, बहुत से फ़ायदे आपको मुयस्सर आएंगे। इसी तरह पसंद की शादी होती नहीं है, बड़े ज़ोर लगाए और ठीक जायज़ आपका काम है, ऐसी सूरत में 23,000 इस वजीफ़े को पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पसंद की शादी हो जाएगी। और 14 लड्डू बच्चों में तकसीम कर दें, इंशाल्लाह बेहतरी बेहतरी। और 230 मरतबा हर नमाज के बाद इसे पढ़ें, इंशाल्लाह बेहतरियां बेहतरियां और बहुत ज़्यादा बेहतरी होंगी। और मियां बीवी की मोहब्बत को बढ़ाने का बड़ा ज़बरदस्त अमल है। अगर मियां बीवी के अंदर कोई क्लैश की कैफियत आ गई है, कोई आपस में कशीदगी हो गई है, तो उस रिलेशनशिप को कंक्रीट रिलेशनशिप बनाने के लिए मियां बीवी के रिलेशनशिप को ज़बरदस्त किस्म का अमल है। 2,120 मरतबा 2,120 टाइम इसको पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा बेहतरी मियां बीवी के दरमियान। और इसमें चूरी बना के भी अगर प्यार मोहब्बत खिलाएंगे तो किसी बच्चों को, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। 95 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ लें। तो इसी तरह टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला,
बहन भाई एक दूसरे से नहीं बोलते। एक मेरे पास केस आया बड़ा ही ख़तरनाक, बड़े बड़े जादूगरों के पास वो औरत गई, किसी ने मेरा बताया, तो उसे मैंने यही वजीफ़ा बताया था कि दिलों को, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, तल्लुकात हों, प्यार मोहब्बत जहाँ टूट गया हो, 4001 मरतबा इसी वजीफ़े को आप पढ़ें, इंशाल्लाह टूटे हुए रिश्ते जो हैं वो जुड़ते हुए नज़र आएंगे। और 400 ग्राम बूंदी लेके, जो बच्चों के अंदर जलेबी नहीं, बूंदी पतली दानेदार होती है उसको बदाना जिसे कहते हैं, और शादियों के मसाइल के लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है, 59 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ लें। इसी तरह माल और दौलत और गनी कर दे आपको, पैसा दौलत, पैसे की फरावानी हो, रिज़्क में इजाफा हो, और ऐसी सूरत में 5 लोगों को खाना भी खिलाएं दस्तरखान लगा के, और इसका इस वजीफ़े को पढ़ें 22,100 मरतबा, 12,100 टाइम इस वजीफ़े को पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपका कारोबार अरूज पे जाएगा, गनी हो जाएंगे। 122 मरतबा हर नमाज के बाद बावजू कैफियत में रहें और अल्लाह के कलाम से जुड़े रहें और नमाज पंजगाना के आदि बनाएं अपने आप को। इसी तरह अगर आप खिलाए पिलाए गए, जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, बाज़ुकात बंदिशें चल रही होती हैं, कोई चीज़ ऐसी को दे देता है, कोई ऐसा अमल दे देता है जिससे आपकी हर चीज़ रुक जाती है, तो ऐसी सूरत में जो भी चीज़ आपको खिलाई गई हो, पिलाई गई हो, या कोई ऐसी चीज़ दी गई हो, तो उसके असर को ज़ायल करने का बेहतरीन वजीफ़ा 2,111 मरतबा इसी वजीफ़े को या वाजिदो या वाजिदो या वाजिद पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। वजदानी कैफियत तारी हो जाए, आप चाहते हैं आपके ऊपर वजद की कैफियत तारी हो जाए, तो ऐसी सूरत में 11,111 मरतबा इसी वजीफ़े को दस्तरखान पे लोगों को बुला के उस तरीके वहाँ पे पढ़ें, और ये 41 दिन का अमल है, पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके ऊपर वजद तारी होगा, हाल की कैफियत पैदा हो सकती है और अल्लाह का करम हो सकता है, और दस्तरखान लगाकर खाना भी लोगों को खिलाएं, 14 लोगों को खाना खिलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत बेहतरियाँ आपको होती हुई नज़र आएंगी। नूर ईमानी रासख हो दिल के अंदर, कल्ब के अंदर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का करम दाखिल हो जाए, तो ऐसी सूरत में इस वजीफ़े को कसरत से पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सभी की जायज़ हाजात नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। इसको पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, आपने सोने से पहले 2 रकात नमाज नफल बराए हाजात तो तमन्ना, सलाम फेरने के बाद आपने 14 मरतबा दुरूद पाक, 5 दफ़ा सूरह फातिहा, 5 दफ़ा सूरह इखलास, और फिर ये दी गई कैटागरी के मुताबिक या 14 मरतबा इल्मुल्अदाद के मुताबिक इसे पढ़ लें, बड़ा ही जलाली किस्म का इस्म है, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह 14 मरतबा फिर हर नमाज के बाद सारा कुछ कर चुकने के बाद 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम फजल फरमाएँगे। जो जो चीज़ें मैंने बताई अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह परवरदिगार आप पे बेहतरी बेहतरी हर तरह की बेहतरी फरमाएँगे। जो जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, परवरदिगार सभी के ऊपर करम फरमाए, सभी की मुश्किलों को आसानी हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और आपको भी इसका अजर और सवाब पहुँचे। जैसे जैसे अल्लाह के अस्माउल हुस्ना आपके सामने पेश किए जाते हैं, इसी तरीके से जैसे जैसे लोग इसे पढ़ेंगे आपको इसका अजर और सवाब होगा, बहुत से फ़ायदे पहुँचेंगे और आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हाज़िर होंगे नए वजीफे के साथ।